मूवी की शुरुआत एक लड़की सारा से होती है जो लॉस एंजलिस पढ़ने आई थी। इसके बाद वो उसके रूम में जाती है, लेकिन अभी भी उसकी रूममेट मतलब जिसके साथ वो रूम शेयर में रहने वाली थी वो अभी तक नहीं आई थी। और सारा से एक लड़की ट्रेसी की दोस्ती भी हो जाती है। अब सुबह से रात हो गई थी लेकिन अभी भी रूममेट नहीं आई थी। यही ट्रेसी और उसकी दोस्त आ जाती है जो जबरदस्ती सारा को पार्टी में ले जाती है। और इसी पार्टी में सारा से एक लड़के स्टीवन से दोस्ती भी हो जाती है। और इसी पार्टी में ट्रेसी बहुत ही ड्रंक हो जाती है, इसी कारण से स्टीफन उन्हें रूम तक छोड़ने आता है। फिर सारा उसे थैंक यू कहती है और वो चला जाता है। इसके बाद जब सारा अपने रूम में आ जाती है तब उसकी रूममेट आ गई थी जो बहुत ही प्यारी दिख रही थी और उसका नाम रेबेका था। यहाँ सारा भी बहुत ड्रंक थी इसी कारण से वो सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तब दोपहर के 3 बज रहे थे और यही सारा और रेबेका की दोस्ती भी हो गई थी। इसी कारण से रेबेका कहती है चलो हम बुक स्टोर से घूम के आते हैं। अब जब वो बुक स्टोर में थे वहाँ सारा की एक्स जेसन का कॉल आता है जो उससे बात करना चाहता था और सारा को उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी थी, इसी कारण से वो फोन को काट देती है। अगले सीन में सारा रेबेका को ट्रेसी से मिलवाती है लेकिन रेबेका को ट्रेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सारा को ड्रेस डिजाइनिंग का काम बहुत ही पसंद था इसलिए वो वहाँ के मशहूर डिजाइनर प्रोफेसर रॉबर्ट से बात करती है और रॉबर्ट उसे क्लास देने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले सीन में सारा रेबेका को अपनी दोस्त आइरिन से मिलवाती है इंटरनेट में, वो भी एक ड्रेस डिजाइनर थी। उनकी बातें चल ही रही थी तभी वहाँ ट्रेसी आ जाती है जो कहती है रात को पार्टी करने क्लब जाएंगे, लेकिन रेबेका को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था इसी कारण से वो साइड हो जाती है। रात को दोनों पार्टी में जाते हैं और वहाँ एडम नाम के लड़के से ट्रेसी की दोस्ती हो जाती है जो बहुत ही रिच था। इसी कारण से ट्रेसी सारा को छोड़ के एडम के साथ जाने लगती है जिससे सारा को बेहद ही बुरा लगता है। वो बेहद ही अकेली फील कर रही थी इसी कारण से वो रेबेका को कॉल करके बुला लेती है। अब दोनों दोस्त बहुत सारी बातें करने लगते हैं। रेबेका कहती है कल मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी और वादा रहा तुमसे मैं तुम्हें बदमाश ट्रेसी की तरह अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगले दिन दोनों घूमने निकलते हैं, दोनों आर्ट गैलरी जाते हैं। इसके बाद सारा रेबेका को एक टैटू दिखाती है जिसमें एमिली लिखा हुआ था। सारा कहती है ये मेरी दीदी का नाम है जो अब इस दुनिया में नहीं है और इसका मुझे बहुत ही दुख है। रेबेका कहती है मुझे हमेशा से ही एक बहन चाहिए थी। अब दोनों की धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो रही थी। सारा और एमिली के पिक्चर के ऊपर एमिली का लॉकेट था जिसे रेबेका पहन लेती है। वही सारा को रास्ते में एक कैट मिलती है जिसे वो रूम में ले आती है। सारा जानती थी ये रूम में अलाउड नहीं है लेकिन रेबेका यहाँ कोई भी डिस्टर्बिंग जाहिर नहीं करती, उल्टा सारा को अप्रिशिएट करती है, कारण शायद रेबेका जानती थी यही दोस्ती है। दोनों कैट का नाम कार्डिल रखती है। यहाँ सारा नोटिस करती है रेबेका ने एमिली का लॉकेट पहना है। वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और दुखी होके कहती है तुम मेरी कोई भी चीज ले सकते हो इसे छोड़ के, क्योंकि ये एमिली की आखिरी निशानी है और ये मुझे बहुत ही प्यारी है। अगले सीन में सारा से ट्रेसी माफी मांगती है उस रात उसे अकेला छोड़ के जाने के लिए। सारा उसे माफ भी कर देती है। अब ट्रेसी फिर से पार्टी में जाने के लिए कहती है और सारा राजी हो जाती है और उनकी बातें रेबेका सुन रही थी और सारा ने रेबेका को माफ कर दिया और साथ ही साथ उसके साथ पार्टी में भी जाने वाली थी। ये सब सोच के वो दुखी हो रही थी और साथ ही साथ गुस्सा भी। अब सारा रूम में आ जाती है तो रेबेका बताती है उसके पास 2 आर्ट शो के पास है और वो दोनों एक साथ आर्ट शो में जाना चाहते हैं। यहाँ सारा बताती है उसका प्लान बन चुका है और वो नहीं जा सकती और ये सुन के रेबेका को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए सारा रेबेका के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है एक शर्त पर। रेबेका को सारा का मनपसंद ड्रेस और इयररिंग पहनना होगा। वो इयररिंग दे के नहाने जाती है और यही हम देखते हैं रेबेका के कान में कोई भी छेद नहीं था लेकिन फिर भी वो उस इयररिंग को पीड़ा पाके भी सारा के लिए कान को छेद करके पहन लेती है और पार्टी में जाती है।
आधी रात को जब ट्रेसी पानी पीने जाती है, तभी रेबेका उसके रूम के बाहर बैठी हुई थी, जो उसे डरा देती है। फिर कॉलेज में ट्रेसी सारा को बताती है रात को रेबेका उसके रूम के बाहर थी और उसे साइको की तरह घूर रही थी, लेकिन सारा इस बात को विश्वास नहीं करती और चली जाती है। और यहाँ रेबेका ट्रेसी को गुस्से से घूर रही थी। इसके बाद दिखाया जाता है सारा क्लास में थी, तभी आयरिन उसे टेक्स्ट करके बुला लेती है और वो आयरिन से मिलने जाती है। इसके बाद वो स्टीफन से मिलने जाती है और रात को दोनों एक साथ डिनर करने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ जब ट्रेसी रात को नहा रही थी, तभी कोई लाइट्स को बंद कर देता है और तभी रेबेका उस पे हमला करती है और वो गाली देने लगती है। वो कहती है, तू एक पार्टी करने वाली चुड़ैल है और मेरी दोस्त, सारा से दूर ही समझी, वरना मैं तेरा खून कर दूंगी। वो उसके नाभि में लगे रिंग को उखाड़ देती है, जिससे ट्रेसी को बहुत ही दर्द हो रही थी। अब वो रूम में जाके सारा का वेट करने लगती है। वही स्टीफन और सारा आ जाते हैं, जिन्हें एक साथ देख के रेबेका बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपना गुस्सा भी जाहिर करती है। फिर स्टीफन चला जाता है। अब अगले दिन से ही सारा रेबेका को इग्नोर करने लगती है। रेबेका दुखी होके पूछती है, सारा हम दोस्त है ना? सारा मन से नहीं लेकिन कहती है हाँ। और यही से ही रेबेका स्टीफन और सारा पे नजर रखने लगती है। इसके बाद सारा स्टीफन के घर आ जाती है। वही आधी रात हो चुकी थी और सारा को अभी भी घर ना पाके रेबेका पागल हो रही थी और सारा अपने फोन को घर में ही छोड़ के गई थी। और उस फोन में जेसन का फोन आता है और फोन को रेबेका उठाती है और कहती है, मैं सारा बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करती हूँ, और बहुत सारी गंदी गंदी बातें करने लगती है। सुबह सारा घर आ जाती है। फिर दोनों दोस्त बातें कर रहे थे, तभी कार्डिल बाहर चली जाती है, जिसे वहाँ का रिसेप्शनिस्ट देख लेती है और स्ट्रिक्टली कहती है, तुम इस कैट को यहाँ नहीं रख सकती हो। अगले सीन में सारा आयरिन के पास जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। आयरिन कहती है, तुम मेरे घर शिफ्ट हो सकती हो, यहाँ रह सकती हो और यहाँ पेट भी अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा रेबेका से कहती है, मैं आयरिन के वहाँ शिफ्ट होना चाहती हूँ, तो तुम्हें बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा और कडेल को रहने के लिए एक जगह भी मिल जाएगी। रेबेका बड़ी ही दुखी होके कहती है, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, तुम और कडेल यहाँ ही खुश है। लेकिन सारा नहीं मानती। अब रेबेका कडेल को ले जाती है और उसे मार डालती है और सारा के सामने बड़ी ही नाटक करके कहती है, कडेल भाग गई है। यहाँ सारा गुस्सा तो होती है लेकिन उसे माफ भी कर देती है। अब दोनों एक जगह खाना खा रहे थे। रेबेका पूछती है, थैंक्सगिविंग आने वाला है, क्या तुम घर नहीं जाओगी? सारा कहती है, नहीं, कारण थैंक्सगिविंग के दो दिन पहले एमिली की डेथ हुई थी और अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो फिर से उसकी यादें मुझे दुखी कर देंगे। रेबेका कहती है, तो चलो मेरे साथ मेरे घर, हम दोनों एक साथ थैंक्सगिविंग बिताएंगे। सारा कहती है, नहीं, स्टीफन मेरे लिए यहाँ रुकने वाला है। अगले दिन सारा रॉबर्ट के क्लास में जाती है। जब क्लास खत्म होती है, रॉबर्ट उसे अकेले में बुलाता है और उसे किस करने जाता है, जिसे सारा को बेहद ही बुरा लगता है और वो गुस्सा होके चली जाती है और जाके रेबेका को सब कुछ बता देती है। और यहाँ रेबेका बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो प्रोफेसर के पास जाती है और कहती है, सर मुझे आपके क्लास में लीजिए ना, मैं साइकोलॉजी में बहुत ही वीक हूँ और मैं स्ट्रीम चेंज करना चाहती हूँ, आप जो कुछ भी बोलेंगे मैं करने के लिए राजी हूँ। प्रोफेसर कहते हैं, मुझे किस करो। दरअसल वो प्रोफेसर को रिझा रही थी। वो प्रोफेसर को किस करती है और दोनों इंटीमेट होने वाले थे। इससे पहले ही रेबेका चिल्लाने लगती है और सब कुछ रेबेका रिकॉर्ड कर लेती है। प्रोफेसर कहते हैं, मुझे माफ कर दो और वो टेप मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। रेबेका कहती है, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो रिकॉर्ड को प्रिंसिपल को दे देती है, जिससे प्रोफेसर रॉबर्ट को निकाल दिया जाता है। अब हेलोवीन आ गई थी और सारा हेलोवीन स्टीफन के साथ बिता रही थी, इसी कारण से रेबेका को गुस्सा आ जाती है। वो खुद को मारने लगती है, खुद को चोट पहुंचाती है और खुद पे कट भी लगाती है। जब सारा आती है तो वो उसे जख्म दिखा के कहती है, वो कडल को ढूंढने निकली थी, तभी एक अंधेरी गली में उसे एक इंसान खींच लेता है और उसे मारता है और उसके साथ गंदे काम भी करता है। दरअसल ये सब कुछ ही नाटक है सारा को रेबेका के साथ घर ले जाने के लिए। अब यहाँ रेबेका की चोट देख के सारा पिघल जाती है और वो रेबेका को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसी कारण से और वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए राजी हो जाती है।
और रेबेका उसे अपने घर ले आती है बिना अपने पेरेंट्स को इत्तला किए ही। इसलिए उसके पेरेंट्स थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। फिर वो उसे अपने रूम में ले आती है जहाँ एक लड़की की पेंटिंग थी। सारा पूछती है ये किसकी पेंटिंग है। रेबेका कहती है किसी की भी नहीं। अगले दिन दोनों रेबेका के स्कूल देखने जाने वाले थे तभी रेबेका की मदर पूछती है सारा तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, क्या तुम बता सकती हो रेबेका अपनी दवाई ठीक टाइम से ले रही है ना। और ये सुन के सारा थोड़ा सा चौंक जाती है और इसके आगे रेबेका की मदर कुछ भी कह पाती। वहाँ रेबेका आ जाती है। इसके बाद दोनों निकल जाते हैं। फिर दोनों एक जगह कॉफी ले रहे थे तभी वहाँ कुछ लड़की आ जाते हैं जिन्हें देख के रेबेका थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वहाँ मारिया नाम की एक लड़की थी। दरअसल रेबेका की घर में जो पेंटिंग थी लड़की की पेंटिंग, दरअसल वो इस लड़की मारिया का ही है। अब रेबेका मारिया से बात करने जाती है लेकिन मारिया उससे कुछ भी बात नहीं करती। जब रेबेका जा रही थी तभी मारिया कहती है रेबेका हम कभी भी दोस्त नहीं थे। ये सुन के रेबेका का दिल पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखें इतनी नम थी जिसे देख के ही ऐसा लग रहा था वो मारिया से बेहद ही प्यार करती थी। अब सारा और रेबेका घर की तरफ लौट रहे थे। वही आयरिन भी लौट रही थी और टेक्स्ट करके सारा को अपने घर शिफ्ट होने बोलती है जिसे सुन रेबेका को बेहद ही गुस्सा आ जाती है। फिर वो घर लौट आते हैं। अब रेबेका कहीं निकल जाती है सारा से ये कह के आने में बहुत रात होगी। जैसे ही वो निकल जाती है सारा उसकी ड्रॉयर चेक करती है तो उसकी ड्रॉयर से एक दवाई मिलती है। वहाँ स्टीफन भी आ गया था। वही रेबेका एक जगह पेट्रोल भरवा रही थी और वहाँ का पंप अटेंडर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। रेबेका उसे पेट्रोल से जला देने का डर दिखा के उसे वहाँ से भगा देती है। वही सारा और स्टीफन को पता लग जाता है वो दवाई मानसिक रोगी के लिए है और दोनों समझ जाते हैं रेबेका थोड़ी सी पागल है और उसका दिमाग खराब है। इसीलिए सारा आयरिन के वहाँ शिफ्ट होने का इरादा करती है। वही रेबेका एक बार में आयरिन से मिलती है प्लान बना के और उसे रिझाने की कोशिश करती है और यहाँ आयरिन फंस जाती है और रेबेका को अपने घर ले आती है अच्छे टाइम बिताने के लिए। सुबह सारा आयरिन के घर जाती है लेकिन आयरिन घर पे नहीं थी। इसलिए वो अपने रूम आ जाती है जहाँ रेबेका कहती है मुझे एक टैटू बनवाना है और तुम मेरे साथ चलो ना। फिर दोनों एक टैटू पार्लर में जाते हैं और रेबेका एक टैटू बनवाती है जिसमें लिखा हुआ था एमिली, मतलब सारा का दीदी का नाम। रेबेका कहती है तुम मुझे बड़ी बहन मान सकती हो। ये देख सारा बेहद ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है और आयरिन के वहाँ शिफ्ट होने के लिए सामान समेटती है लेकिन आयरिन तो नहीं थी। इसी कारण से वो स्टीफन के वहाँ रहने लगती है। अगले दिन जेसन यहाँ आया हुआ था। वो सारा के रूम में एक लेटर देता है जिसमें लिखा हुआ था वो एक होटल में रुका हुआ है और वो सारा से मिलना चाहता है लेकिन रूम में सारा नहीं रेबेका थी। वो लेटर को देख लेती है और रात को वो होटल में जाती है। यह जेसन उसे सारा समझ लेता है। वो कहता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। रेबेका कहती है मैं तुमसे बहुत ही नफरत करती हूँ और उसे मार डालती है। अब आयरिन का मैसेज सारा को आती है। वो बताती है जल्दी से मेरे घर में आओ। सारा समझ जाती है कुछ गड़बड़ है इसलिए वो स्टीफन को भी मैसेज करके बुला लेती है। अब सारा आयरिन के घर आ जाती है और वो देखती है आयरिन को किसी ने बंधा हुआ था और ये काम रेबेका ने किया था। रेबेका सारा से कहती है मैं बस तुम्हारी दोस्ती चाहती हूँ। सारा कहती है हम दोस्ती तो है। रेबेका कहती है नहीं तुमने मुझे धोखा दिया इसी कारण से आज मैं यहाँ हूँ। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। उस चुड़ैल डेसी से तुझे बचाया, गंदे प्रोफेसर से तुझे बचाया, उस बिल्ली की बच्चे से तुझे बचाया और तेरा बॉयफ्रेंड जेसन उसे तो मैंने मार ही डाला। इसके बाद वो आयरिन को मारने जाती है इसीलिए दोनों में हाथापाई हो जाती है और गन रूम से बाहर गिर जाती है। और जैसे ही रेबेका गन को लेने जाती है वो डोर को लॉक कर देती है। आयरिन कहती है सारा तुम खिड़की से भाग जाओ। वो भागने जाती है तभी रेबेका दरवाजा तोड़ के आ जाती है। वो आयरिन को मारने ही वाला था तभी वहाँ स्टीफन आ जाता है जो रेबेका को घूसा मार के बेहोश कर देता है और गन को लेके सारा को बचाने जाता है। तभी रेबेका स्टीफन को मार के बेहोश कर देता है और सारा को ऊपर उठा लेती है। अब सारा जल्दी से गन को ले लेती है और रेबेका पे शूट कर देती है लेकिन गन खाली थी। यहाँ रेबेका बेहद ही गुस्सा हो जाती है। वो उसे मारने लगती है। सारा जैसे भी कर
रेजर को ले लेती है और कहती है, हम कभी भी दोस्त नहीं थे। और ये कह के रेबेका को रेजर से मार डालती है। और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है।